हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं दिखाऊंगा मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल, और दिखाने के पहले मैं डेट और टाइम आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आज का दिन है मंगलवार, 24th of August 2021। तो आज जो हुआ था सुबह में, तो मैं मेरा ट्रेडिंग जो टर्मिनल है मैं ओपन कर चुका हूँ, और मेरा जो पोजीशन है तो देखिए, यहाँ पर 2667 का प्रॉफिट में आज बुक किया हूँ। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसका जो आज सुबह में मैं जो दो ट्रेडिंग किए थे, एक 36400 का सी बाई किए थे, ठीक है। मतलब ये बाई करने का पोजीशन मुझको कैसे मिला, जब मैं बैंक निफ्टी को ओपन किया था तो देखा था कि इसका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव में जा सकता है, मतलब इसका जो कॉल है वो बाई करना चाहिए मुझको, तो इसलिए मैं बाई किया। करीबन 9:50 में, ठीक है, तो 40 रुपया में मैं बाई करके छोड़ दिया था। तो करीबन दिन के 2:12 में मैं जब पोजीशन को चेक किया था, तो देखिए मेरा पोजीशन में जो स्वीप अप किए थे वो 146 रुपया में मैं क्लियर किए थे। तो मेरा जो पोजीशन क्लियर होने के बाद मैं 2667 का प्रॉफिट बुक किया हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैसे किए, मैं सुबह को जब मैं पोजीशन चेक कर रहा था तब बैंक निफ्टी का जो ऊपर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक कॉल बाय करके रखता हूँ, ठीक है। दिन के आखिरी में मैं चेक करूँगा कि क्या होता है। तो मैं बाय करके छोड़ दिया था, और दिन के 2:12 में मैं जब चेक किए कि मेरा पोजीशन क्या हुआ है, मतलब मैं कंटिन्यूअस फॉलो नहीं कर रहा था मेरा जो पोजीशन था उसको, तो 2:12 में जब मैं पोजीशन चेक किए तो देखा कि हाँ 110 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो अभी एक मौका है कि चलो यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेल कर दिया हूँ, ठीक है। 106 पॉइंट का जो प्रॉफिट में बुक किया, ठीक है। और इससे पहले 112 रुपया में एक कॉल बुक बाय किए थे, तो वो तुरंत मैं सेल कर चुका था। तो मैं जस्ट एक कॉल बाय करना चाहता था कि जस्ट छोटा पोजीशन हो, बिकॉज़ मेरा जो फंड है वो बहुत लो था। देखिए यहाँ पर मेरा फंड 180 रुपया में मैं आज काम किया, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 2667 रुपया का आ चुका था। तो आज का जो दिन है मेरे लिए वो बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ मेरा जो प्रॉफिट है वो शेयर करना चाहता था, तो कर लिया आप लोगों के साथ। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइए मेरा कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरा वीडियो, और लाइक भी कर देना, और कोई क्वेरीज है तो मुझको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आप लोगों का जो प्रश्न है वो उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।